फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री और आप सब देख रहे हैं अनुश्री कदम ऑफिशियल। गाइस, आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूं कि कैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। और वैसे अब मेरे छोटे भाई स्वरूप का बर्थडे आ रहा है, इसलिए मुझे ग्रीटिंग कार्ड बनाना ही होगा। तो गाइस, ये ग्रीटिंग कार्ड हम एक अलग मटेरियल से बनाने वाले हैं, जो है पेन। आज हम पेन से बनाने वाले ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है? तो पेन तो अब मैंने बता दिया। अब एक A4 साइज, दो A4 साइज पेपर लगेंगे, एक कलर पेपर और एक रफ पेपर। ग्लू लगेगा, सीजर लगेगी, पेंसिल लगेगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पेंस लगेंगे। तो चलिए अब हमारा ग्रीटिंग कार्ड बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम एक पेपर साइड पर रख देते हैं और एक इस पेन के मुताबिक हम लोग एक स्ट्रिप काट लेंगे, ठीक है? और ये जो रफ पेपर है उसके साथ भी यही करेंगे। तो पहले मैं स्ट्रिप निकाल लेती हूँ। तो गाइस, अब मैंने पेपर्स को पेन के हिसाब से कट कर लिया, मतलब ऐसे ऐसे अच्छे से कट कर लिया। तो अब हम इसे ऐसे रोल करके ऐसे ग्लू से चिपका देंगे। अब दूसरे का भी वैसे ही करेंगे। गाइस, अब मैंने पेन को इस पेपर के साथ पूरा रोल कर लिया है। अब हम वाइट पेपर से ऐसे स्ट्रिप्स, पतली पतली स्ट्रिप्स निकाल लेंगे और इन पेपर से ही इसे डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैं आप डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैंने इस पेपर के साथ चिपका दिया है, तो मतलब डिज़ाइन तैयार कर दिया है। अब हम इस वाइट पेपर पर इन्हें ऐसे चिपकाएंगे, ठीक है? तो मैं अब चिपका लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैंने ये जो स्टिक्स है वो इस पेपर के ऊपर चिपका दिए। अब ये ऐसे रोल होगा। हाँ, तो अब ये ऐसे रोल होगा। अब हम इसके ऊपर का बनाएंगे। ऊपर का बनाने से पहले मैं इसके ऊपर एक स्लोगन लिख लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैंने इस पर स्लोगन लिख दिया है। अब अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो इसे एक इसे अच्छे से असेंबल रहने के लिए हमें बनाना होगा एक बो। तो बो पहले हम इसे बाजू में रख देते हैं और बो का मटेरियल ले लेते हैं। अभी मुझे लगेगा एक पिंक पेपर, तो अभी हम बो बनाना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें 12 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाना होगा और ऐसे 3 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाना होगा। तो अब मैं मेरी लाइन बना लेती हूँ। लाइन बनाकर मैं कट भी कर लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैंने 12x3 का लाइन कट कर लिया है। अब ये जो लाइन है, पहले हमें इसका सेंटर निकालना होगा। तो पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे, फिर इसे फिर से खोल कर इसका जो सेंटर लाइन है उसे दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से ऐसे दोनों साइड से ये कर लेंगे हम लोग। अब ये दोनों साइड्स हो गई है। अब इन दोनों को ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो गाइस, अभी अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम ये जो हमने कार्ड बनाया है तो उसकी साइज से हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इस, तो अब हम इसे अच्छे से इसके साथ ऐसे ही कर लेंगे। तो अब मैं इस पर ग्लू अप्लाई कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इस पर ग्लू अप्लाई कर लिया है। अब हमारा ये भी रेडी हो गया है। चिपकाने के बाद हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें बो बनाना होगा इसके ऊपर ऐसा चिपकाने के लिए हमें बो बनाने। तो गाइस, बो बनाने के लिए मैंने यहाँ 10x5 का एक स्ट्रिप ले लिया है। अब हम इस स्ट्रिप का बो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे ऐसे फोल्ड करती हूँ, इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और
और एक ऐसा फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब और एक फोल्ड होने के बाद हम लोग पेंसिल से इसके ऊपर लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ लाइन बना ली है, इस पॉइंट से इस तक ऐसे लाइन बना लेंगे हम लोग। अब हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। तो अभी मैंने इसे कट कर लिया है, अब हम इसे खोलेंगे तो हमें ये ऐसा शेप मिलेगा। तो ऐसा शेप मिलने के बाद हमें इसे ऐसे यहाँ चिपका देना है। तो अभी मैं इसे चिपका लेती हूँ। तो गाइस अभी मैंने इसे स्टिक कर लिया है और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, मतलब सिंपल, मैंने एक मनी चिपका दिया है और ऐसे दो नॉट्स मैंने और कट कर लिए इस ऐसे इसे चिपकाने के लिए। तो अभी मैं इन दो नॉट्स को चिपका लेती हूँ। तो गाइस अभी मैंने ये नॉट हमारे इस बो को चिपका दिया, अब हमारा पूरा बो फाइनली रेडी है। तो अभी ये जो हमारा सर्कल है, इस बो को ऐसे उल्टा करके हम इस सर्कल को ऐसे चिपका देंगे। तो अभी मैं इस सर्कल को चिपका देती हूँ। तो गाइस अभी मैंने ये सर्कल इसके ऊपर चिपका दिया है। अब हमारा ये ग्रीटिंग कार्ड रेडी है। वाह गाइस ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। आप अपने आइडिया से मुझसे भी ज़्यादा सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस वीडियो आने वाली वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना।